वो कहते हैं भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः यहां अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हो सकता। तुम जो मुझे अपनी इच्छा से राज्य लौटाना चाहते हो, अपनी इच्छा का मालिक इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ईश्वर है और कोई नहीं है। काल पुरुषों को इधर से उधर, इस पुरुष को इधर से उधर खींचता रहता है, सब कुछ काल के वशीभूत है। काल के आगे किसी की नहीं चली है, इसलिए अब यह राज्य तुम्हारा है और तुम मुझे दे दोगे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि काल ये करवा रहा है। फिर कहते हैं, समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, ये जो भी हमारे हैं तुम्हारे हैं, अंत तो उसका विनाश ही है। लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, जितनी भी तुम उन्नति कर लो अंत में उसका पतन ही होना है। संयोग का अंत तो वियोग है और जीवन का अंत तो मरण है, इसलिए धर्म ही प्रमुख है, राज्य लेकर क्या करूंगा। वो कहते हैं, सर्वे क्षयंता निचयः पतनांता समुच्छ्रयः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। संयोग का अंत जैसे वियोग है, उसी तरह जीवन का अंत मरण है। हे भाई, जैसे पके हुए फल को पतन के सिवा किसी का भय नहीं है, कि पका हुआ फल जो है अब वो गिरेगा ही, उसको क्या भय है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा किसी और का भय नहीं होना चाहिए। जैसे सुदृढ़ खंभे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है। उसकी जो वृद्धावस्था है, उसकी जो मृत्यु है, उसके अधीन वो नष्ट हो जाता है। अब ये धर्म बोल रहे हैं, भगवान राम बोल रहे हैं, और राम यहां भरत के भाई दशरथ पुत्र राम की जगह नारायण अवतार राम की तरफ बोल रहे हैं। ये आपको बिटवीन समझना होगा। कल जो वो नीति वचन दे रहे थे वो नारायण की तरह, आज वो जो धर्म वचन दे रहे हैं भरत को वो नारायण की तरह। जो रात बीत जाती है वो लौट कर नहीं आती भाई, जैसे यमुना जल से भरे हुए समुद्र की ओर जाती है, क्या उधर लौटती है फिर? यमुना नदी तो जल से भरी हुई यमुना वो समुद्र की ओर जाती है, कभी तुमने देखा ये समुद्र से पीछे यमुना लौटती हो? तो मैं कैसे लौट जाऊं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो मैं कैसे लौट जाऊं। दिन और रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु बड़ी तीव्र गति से उसका नाश हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को सोख लेती है, ये दिन और रात हमारी आयु को सोख रही है, हमारी आयु का नाश हो रहा है, हम मरण धर्मा मरण की ओर जा रहे हैं। और यहां जो अगली लाइन में जो भरत को कह रहे हैं राम, वो मैं आप लोगों से हमेशा कहता रहा हूं, लेकिन मैं ही भूल गया और मैं ही सोचने चला गया। हिंदुओं को जगाते हैं, हिंदुओं को बचाते हैं, एकम बनाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। धर्म जो सनातन धर्म की मूल प्रवृत्ति क्या है, स्व की यात्रा, पर की यात्रा नहीं, क्योंकि पर में आप जो जिसको कह रहे हो हम जागृत करेंगे, उसके पिछले जन्म का कर्म क्या है ये आप नहीं जानते, वो आपसे जागृत होगा या नहीं होगा। तो राम कह रहे हैं, आत्मान सोच तम कि मन्य मनु सोच अशी आयुस्तु ही यते यस्य स्थितस्य गतस्य च। भगवान राम क्या कह रहे हैं ये सबको समझना होगा, और ये बुद्धि मुझे अगस्त महीने में आई, सबको छोड़ के अब मैं अपने, वो कह रहे हैं तुम अपने लिए चिंता करो, दूसरों के लिए बार बार शोक क्यों करते हो। हम और आप जो हिंदू मर जाएगा, हिंदू कट जाएगा, हम जो कहते हैं, मैं भी कहता था कुछ महीने तक, मुझे भी बुद्धि हुई, ये जो हम कह रहे हैं
वो जो कट रहा है उसने पिछले जन्म में किसी को काटा है, और वो जो मूढ़मति है उसकी पूरी यात्रा पिछले जन्म की जड़ की है। हम उनको नहीं समझा सकते। भगवान होने की चेष्टा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, ये भगवान श्री राम नारायण अवतार ये राम बता रहे हैं भरत को।